पूर्व मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बैलगाड़ी चलाकर डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाजार में रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम राधौगढ़ एसडीएम को ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयवर्धन सिंह के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। क्रूड ऑयल का कच्चे तेल का दाम $100 से अधिक था, लेकिन उस समय जब इतनी महंगाई थी कच्चे तेल की पूरे विश्व में, उस समय पेट्रोल का दाम पूरे देश में 60-70 रुपए के बीच में था और डीजल लगभग 50 रुपए था। और आज जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम लगभग 50 और $60 के बीच में है, कहने का मतलब ये है कि आज केंद्र सरकार को कच्चे तेल को या पेट्रोल डीजल को खरीदने में उनको खर्च होता है 30 से 40 रुपए प्रति लीटर। ये किसका खर्चा है? सरकार का। 30 से 40 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल का। लेकिन जो आम जनता को किस दर पे मिल रहा है पेट्रोल डीजल? डीजल पहुंच चुका है 85 रुपए प्रति लीटर, 88 हो गया आज। हर दिन पिछले पंद्रह दिन से प्रतिदिन 25 से 50 पैसे तक हर दिन वृद्धि हो रही है दामों में। पेट्रोल तो 95 से लेकर जो स्पीड पेट्रोल है उसकी सेंचुरी हो चुकी है। तो मैं तो बधाई देता हूँ मोदी सरकार को, कोई तो काम में शतक लग गए। जो सात साल पहले जब पेट्रोल डीजल 70-50 रुपए था, तब जो भाजपाई आलोचना करते थे महंगाई की, आज जब पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, डीजल 88 रुपए हो गया है, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं? आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन है। क्यों आंदोलन है? क्योंकि जो दाम सोयाबीन की फसल के 10 साल पहले थे मनमोहन जी के सरकार में लगभग 40 से 45 रुपए प्रति किलो सोयाबीन बिकता था। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सोयाबीन का रेट लगभग उतना ही है। लेकिन उल्टा अगर हम देखें तो सोयाबीन के तेल का दाम क्या हो गया है? सोयाबीन के तेल का दाम 10 साल पहले 70 रुपए प्रति किलो था और आज लगभग 140 हो चुका है। तो ये जो वृद्धि दोगुना हुई है, आपको पता है क्यों हुई है? आपको पता है सोयाबीन के तेल का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मोदी जी के मित्र अडानी। एक तरफ मध्य प्रदेश पूरे देश में सोयाबीन का 50% उत्पादक है। पूरे देश का सोयाबीन का उत्पादन में से 50% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन पिछले 7-10 साल आज रावगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा रावगढ़ शहर में हमने प्रदर्शन किया, जिसमें विशेषकर जो आज के समय महंगाई की मार आम जनता पर हो रही है, इसके खिलाफ आज का प्रदर्शन रहा। मूल बात यह है कि आज विश्व में क्रूड ऑयल के दाम अभी काफ़ी कम है, 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि जब सरकार कांग्रेस की थी देश में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्रूड ऑयल के दाम दोगुने थे। लेकिन तब भी हमने हमारे कार्यकाल में पेट्रोल लगभग 60 से 70 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 50 रुपए प्रति लीटर था। लेकिन आज जब कच्चे तेल के दाम विश्व में आधे हैं, फिर भी और जब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल खरीद रही है, लगभग उनको खर्चा आ रहा है 30 से 35 रुपए प्रति लीटर, लेकिन जनता को पेट्रोल डीजल मिल रहा है, डीजल कहीं ना कहीं
85-88 रुपए प्रति लीटर हो गया है और पेट्रोल के दाम तो 95 हो गए हैं और जो स्पीड पेट्रोल है उसके दाम 100 से अधिक हो चुके हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आम जनता परेशान है, पीड़ित है, जबकि पिछले एक साल में हम सब जानते हैं कोरोना महामारी के कारण वैसे ही आम जनता परेशान रही। व्यापार बंद हो गए, काफ़ी उद्योग बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। ऐसे समय में केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि जो आम जनता है उनको राहत दी जाए, उल्टा केंद्र सरकार महंगाई के द्वारा जनता पर और बड़ा बोझ कर रही है। जनता परेशान है, जनता पीड़ित है और आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय SDM साहब को और हमने मांग रखी है कि पूरे देश में कम से कम 30 रुपए प्रति लीटर कमी हो पेट्रोल में भी और डीजल में। कैनन न्यूज़ के लिए राधोगढ़ से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।